नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय दिस गिवन बायू इज इक्वल टू ए बाय आर टू द पावर ट्वेल्व माइनस बी बाय आर टू द पावर सिक्स देन एट इक्वेबियम पोजिशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू और हमारे ऑप्शन है ए स्क्वायर बाय फोर बी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए बी बाय टू बी बाय ए या फिर थ्री है नाउ इसको अगर हम देखेंगे सो हम लिखते हैं यहाँ पे अगर आपका स्नैरियो ये आर आपका डिस्टेंस फ्रॉम द दे देंटर या फिर न्यूक्लियस हुआ सो हम यहाँ पे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजिशन हम कहते हैं आपका एफ जो है जिसको हम लिखते हैं, हैं माइनस डी यू बाय डी आर कह सकते हैं यहाँ पे दिस विल भी इक्वल टू जीरो अगर इक्वलिब्रियम है तो आपका फोर ज़ीरो होगा यानी कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी आर ऑफ़ ए बाय आर टू द पावर ट्वेल्व माइनस बी बाय आर टू द पावर सिक्स इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ज़ीरो आना चाहिए ना इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं सो so, ये हुआ आपका डी बाय डी आर ये हुआ ए आर टू द पावर माइनस ट्वेल्व माइनस बी आर टू दावर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इसका जब हम डिफ्रेंशियट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी आ, ये आ जाएगा आपका माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय ए आर टू द पावर माइनस थर्टीन माइनस और ये प्लस हो जाएगा सिक्स बी आर टू द पावर माइनस सेवन एकवल टू ज़ीरो ना इसको जब हमने इक्वल टू जीरो किया तो वहाँ पे आर की आपकी वैल्यू आ जाएगी उस आर की वैल्यू को हम इस यू के एक्सप्रेशन में फिट कर देंगे तो अपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी तो इसको जब हम इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो इसमें से आर टू पावर माइनस सेवन हमने कॉमन ले लिया अंदर आपका एक्सप्रेशन बचा माइनस ट्वेल्व ए आर टू द पावर माइनस सिक्स माइन प्लस सिक्स बी इक्वल टू ज़ीरो इसमें सिक्स भी कॉमन ले सकते थे बट एनीवे सो इसको इक्वल टू ज़ीरो करने का मतलब है ये हो गया आपका माइनस ट्वेल्व ए आर टू द पावर माइनस सिक्स प्लस सिक्स बी इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये आर टू द पावर सिक्स अच्छा इसको एक काम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके लिए आर टू पावर माइनस सिक्स लिखने की वजह इसको आर टू पावर सिक्स लिख लें अब इसको इधर ले जाएं इसको इधर ले जाएं सो so, हेंस आपका आर टू पावर सिक्स विल बी इक्वल टू पहले इस पूरी टर्म को इधर ले गए फिर इसको इधर ले आए सो दिस विल बी इक्वल टू टू ए डिवाइडेड बाय बी यानी कि आपकी आर की वैल्यू हो गई टू ए डिवाइडेड बाय बी टू द पावर वन बाय सिक्स ये आपकी लोकेशन uh, आ गई जहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लोकेशन विल बी इक्वल टू यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे सो so ये बनेगा आपका ए डिवाइडेड बाय टू ए डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर वन बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व माइनस बी डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर सिक्स और इस आर की जगह हम यहाँ लिख देंगे टू ए डिवाइडेड बाय बी टू दी पावर वन बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स सो आपका पोटेंशियल एनर्जी ये बन गया ए डिवाइडेड बाय टू ए का स्क्वायर और ये जो बी स्क्वायर होगा ये ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये बनेगा आपका बी डिवाइडेड बाय टू ए और नीचे वाला बी ऊपर आ जाएगा बी और इसमें से आपका ए कैंसिल हो जाएगा सो ये यू की वैल्यू आई बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यानी कि इसको कैलकुलेट करके u की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ए विद ने नेगेटिव साइन ये आपकी फाइनल उस लोकेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हैंस आपका ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया